Hey guys, welcome back to my channel Twinkling Style and Fashion. Hope you all are doing good. So today I'm back with another exciting video and I hope ये video आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा informative होने वाला है. ये जो video है ये एक product range का review है. जो product range बहुत ही unique product range है, बहुत unique है ये product. जब मैं ये product receive की तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये product देख के, क्योंकि हमेशा हम एक ही type का product use करते हैं, एक ही problems, मतलब कि एक fixed problems रहता है जिसके लिए कि हम product use करते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसको कि हम अनदेखा कर देते हैं, हम इतना इग्नोर कर देते हैं, बट वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो वी विल स्टार्ट द वीडियो. एंड वीडियो को जाने से पहले, जो मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल. साइड में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जब जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके एंड आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ एंड इन डेप्थ डिटेल्स सब चीज़ें बताने वाली हूँ, सो दैट वन इज़ दिस सैनफी. सो सैनफी ने मुझे ये पूरा प्रोडक्ट रेंज सेंड किया है. सो ये सैनफी बैक एंड बम ट्रीटमेंट रेंज है. इसमें टोटल शायद 9 प्रोडक्ट्स है पूरे रेंज में. दे हैव सेंड मी 6 प्रोडक्ट्स एंड उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सब बताऊँगी. इसमें हम लोग अपने स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, अपने हैंड्स के लिए कई बार बहुत ज़्यादा टेंस में रहते हैं कि यार फेस में स्पॉट्स हो गया, एक्नी हो गया, हैंड टैन हो गया, ये सब चीज़ें आपको बहुत आप लोग सोचते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, बहुत जनों के साथ ऐसा होता है जिनके बैक में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बम में भी एक्नी हो जाता है, एक्नी स्पॉट्स रह जाते हैं, इरिटेशन होता है एंड स्किन बहुत गंदा दिखता है. सो उसके लिए जो भी स्किन केयर होता है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. हमको लगता है कि वो चीज़ें थोड़ा हमारा सोसाइटी में इतना रेज अप होके नहीं आया है वो सब चीज़ें. एंड बहुत सारे ब्रांड्स भी ये सब चीज़ों के लिए प्रोडक्ट्स नहीं निकाले हैं. सो लोगों को ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल स्किन केयर होता है उसी से ही ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सब चीज़ों का, सब प्रॉब्लम का अलग अलग सल्यूशन होता है, सब प्रॉब्लम्स का अलग अलग प्रोडक्ट रेंज होता है. सो हमको अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रेंज यूज़ करना चाहिए. सो सैनफी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है ये प्रोडक्ट निकाल के. पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ को वो फोकस किया है एंड उसके लिए पूरा एक बहुत ही अमेजिंग सा रेंज निकाला है. वन बाय वन करके मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे दूंगी. बहुत बार ऐसे होता है, मुझे पता है, मैं अपने क्लाइंट्स में बहुत जन मेरे पास जो सब मेकअप करने आते हैं वो क्लाइंट्स को मैं देखी हूँ, दे आर वेरी मच उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है सेमी कि हमारे बैक में बहुत सारे स्पॉट्स है तो थोड़ा फाउंडेशन लगा के कवर अप कर दीजिए, ये कर दीजिए. आई अंडरस्टैंड, बहुत जनों के बैक में एक्नी स्पॉट्स प्रॉब्लम्स रहता है, बम में भी रहता है. सो दे कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेंज और ज़रूर मेरे को बताना कि ये रेंज कैसा है. सो हम अभी सीधा प्रोडक्ट के रिव्यू पे चलते हैं. वन बाय वन मैं आपको प्रोडक्ट दिखाते जाऊंगी, उसका डिटेल्स देते हुए जाऊंगी एंड जो प्रोडक्ट आपको लेना है आपको वो प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट द रिव्यू पार्ट. प्री रेंज में जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट वन इज दिस. So as you all can see this, so this one is सैनफी बैक एंड बम डिटॉक्स स्क्रब एंड इट्स ड्राई स्क्रब. ये कुछ मतलब कि क्रीमी एंड वो फॉर्म में नहीं है, ये पूरा का पूरा ड्राई स्क्रब है, जेंटल एंड नेचुरल. एंड ये जो पूरा रेंज है ये आपको पूरा पीछे पीछे कलर में दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक्चुअली ये जो स्क्रब का क्या काम है मैं आपको पहले बता देती हूँ. आप लोग यहाँ पे स्क्रब का टेक्सचर देख पा रहे होंगे, स्क्रब बहुत ही माइल्ड स्क्रब है एंड इसका जो स्मेल भी है बहुत माइल्ड है. ये 100 ग्राम का प्रोडक्ट्स है एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है इट्स फॉर 3 इयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 699 रुपीज. सो बेसिकली इसका जो काम है, आपके स्किन में जो डेड स्किन सेल्स है ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है. हमारा जब भी एक्नी होता है, एक्नी का मेन प्रॉब्लम होता है डेड स्किन सेल्स. डेड स्किन सेल्स जम के ही आपके क्लॉग, जो कि पोर्स को क्लॉग कर देते हैं एंड फिर एक्नी होना स्टार्ट हो जाता है.
सो ऑलवेज वी स्टार्ट विथ अ स्क्रब एंड डिटॉक्सीफायर जो कि स्किन को डिटॉक्सीफाई करेगा. सो आई होप सो ये स्क्रब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन द होल रेंज. स्क्रबिंग के बाद हम टोनिंग में जाएंगे. नॉर्मली जैसे हम स्किन केयर करते हैं इसका भी वैसे ही होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट हियर इज सैनफी बैक एंड बॉम टोनिंग ऑयल. सो एज यू ऑल कैन सी दिस, ये कुछ इस तरीके के प्लास्टिक जार में आता है. Contains 100 ml of product and the cost of this product is $7.99 and the shelf life is again 3 years. And ये जो product है ये basically एक oil form में है and जो भी oil form में है बहुत ही light oil है. ऐसे आपको लगेगा कि नहीं oil form में है तो बहुत चिपचिपा हो जाएगा skin, nothing like that. ये skin में बहुत अच्छे से absorb हो जाता है as you all can see this. And इसका भी बहुत ही you know mild fragrance है, आपको ऐसे headache देने वाला fragrance नहीं है. गाइस बेसिकली ये जो टोनिंग ऑयल का काम है वो है बैक एंड बम को ये फर्मर करता है, प्लम्प करता है आपके स्किन को एंड आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी बहुत हद तक कम कर देता है. अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क्स में आपको डिफरेंस नज़र आएंगे. एंड ये ऑयल सेम पैराबिन एंड मिनरल फ्री ऑयल है, गेट एब्जॉर्ब इन योर स्किन. आई होप सो ये प्रोडक्ट का भी आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा एंड ये प्रोडक्ट रियली बहुत अच्छा है. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रेंज. गाइज द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रेंज इज सैनफी बैक एंड बम लाइटनिंग सेरम. आपको जैसे कि दिख रहा होगा ये सेरम कुछ इस तरीके के ट्यूब फॉर्म में आता है एंड सामने में आपको एक पंप भी मिल जाएगा विच इज़ वेरी गुड. सो दिस इज़ 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड आपका ये अगेन 2 to 3 years इसका सेल्फ लाइफ है एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ $6.99. सो ये प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आपके स्किन हमेशा बैक एरिया एंड बम एरिया या आपके जो प्राइवेट एरिया है वो लाइटनिंग होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. यू शुड बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर. बट अगर आपका स्किन यू नो डेड स्किन की वजह से डल हो गया है या फिर टैनिंग हो गया है या फिर यू नो स्किन के कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका स्किन डल दिख रहा है देन डेफिनेटली वो आपके स्किन को लाइटनिंग कर देगा एंड आपका स्किन सुंदर दिखेगा, फ्लॉलेस दिखेगा, अच्छा आपको खुद को फील होगा, कॉन्फिडेंट भी फील होगा आपको. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दिस प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है एज यू ऑल कैन सी दिस, ये एक बहुत ही रनी टेक्स्चर में है. इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है. सारे प्रोडक्ट का स्मेल मुझे बहुत माइल्ड एंड अच्छे लगे हैं. सो व्हाट दिस प्रोडक्ट डू इज दैट इट्स अ प्योर विटामिन सी एंड पीच एक्सट्रैक्ट. इसमें विटामिन सी है एंड ये पीच एक्सट्रैक्ट भी इसमें है. सो बेसिकली इट्स फेड्स द डार्क स्पॉट्स, फेड्स द डिसकलरेशन एंड फेड्स स्कार्स. जैसे कि मैं ऑफ द सेरम इज रियली लाइट एंड आपको लग रहा होगा कि ये सेरम शायद मतलब स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट जस्ट वेट अ सेकेंड, बहुत जल्दी ये स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है. सो एज आई टोल्ड यू ऑल दैट कि इसका जो बेसिकली इसका जो काम है ये स्कार्स को, एक्नी स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को, डिसकलरेशन को कम कर देता है, फेडेड कर देता है काफ़ी हद तक. सो जेंटली बस आपको इसको आपके जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है या थ्रू आउट योर बैक एंड बम एरिया में इसको अप्लाई करना है. जस्ट टेक 2 pumps ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड अप्लाई इट थ्रू आउट योर बैक एंड बम, जिसको आप जितना आपको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होगा. सो अगेन द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹6.99, 100 ml ऑफ प्रोडक्ट है ये. एंड मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है एंड इट विल प्रोवाइड यू अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन ऑल्सो, जो कि आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, ज़्यादा फ्लेकी नहीं करेगा एंड आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ बना देगा. आई होप सो इसका भी रिव्यू आपको बहुत पसंद आया हो. प्रोडक्ट आई एम गोना रिव्यू इज द सैनफी बैक एंड बम लोशन. और ये जो लोशन है ये बहुत ही अच्छा लोशन है. बेसिकली हम जैसे बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं, एक्नी क्लियरिंग लोशन है ये. जैसे हम बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं हमारे बॉडी से यू नो डेड स्किन सेल्स को निकाल देता है, बॉडी को प्लम्पियर एंड सॉफ्ट बनाता है. सेम ये चीज़ें स्पेशली बैक एंड बम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है. सो इट कंटेन्स शिया बटर एंड पीच एक्सट्रैक्ट. जो शिया बटर होता है वो बहुत ही
हाइड्रेटिंग होता है स्किन के लिए, स्किन को बहुत ग्लो एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सो ये 100 ml ऑफ प्रोडक्ट है एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अगेन 699 एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2 ईयर्स। सो इसको आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, नॉर्मल जैसे लोशन होता है उसी के जैसा है। आपको फर्स्ट में थोड़ा ये ग्रीसी या ऑयली लगेगा, बट डोंट वेरी, ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो बेसिकली दिस प्रोडक्ट कंटेन एक्वा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन चिया बटर, कोको बटर, आर्गन ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, नीम एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, जोजोबा ऑयल। सो ये जब जो सब चीज़ें ये कंटेन इसमें है इंग्रेडिएंट्स, ये आपके स्किन के लिए अमेजिंगली परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए एंड आपके स्पेशली बैक एंड बम एरिया के लिए भी बहुत यू नो स्मूथ एंड बहुत ही अच्छा एक आपको टेक्स्चर प्रोवाइड करेगा। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट I have in this range is Sanofi Back and Bum Anti Cellulite Cream, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो सेलुलाइट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, साइड में मैं एक पिक्चर लगा दूंगी। सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग, बहुत जनों के थाइज में ऐसे हो जाता है ड्यू टू फैट एंड बहुत जनों के बैक में भी हो जाता है एंड बहुत जनों को अनकंफर्टेबल फील होता है शॉर्ट्स पहनने के लिए या फिर देखने में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। सो दे कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस Sanofi Back and Bum Anti Cellulite Cream। सो बेसिकली वॉट इट कंटेन्स इज कोकोनट एंड पीच एक्सट्रैक्ट। सो सब में तो इक्वल एक ही चीज़ है, पीच एक्सट्रैक्ट सारे प्रोडक्ट में है एंड जो एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट इसमें है दैट इज कोकोनट ऑयल, ग्रेप फ्रूट ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कोला एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें हैं, सोडियम PCA इसमें है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इसमें हैं। सो बेसिकली ये क्या करता है आपकी स्किन में वो मैं बता देना चाहती हूँ। सो इट हील्स रैशेस, देन इसके जो आपके बम एरिया होता है उसको भी ये लिफ्ट अप करता है एंड आपके जो सेलुलाइट होता है इसको ये रिड्यूस करता है। सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस एंड इसका जो टेक्स्चर भी है आप लोग देख सकते हैं क्रीमी टेक्स्चर में है, पीच कलर का है ये, एक क्रीमी टेक्स्चर में इसका पूरा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको बस आपको जेंटली अप्लाई करना है थ्रू आउट योर बैक एंड बम एरिया, स्पेशली इट्स फॉर बम एरिया, नहीं तो आपके जो भी यू नो थाइज में जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम है आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ 599, शेल्फ लाइफ अगेन 2 ईयर्स। आई होप सो ये प्रोडक्ट भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इस पूरे रेंज में अभी हम लोग जाएंगे इसके लास्ट प्रोडक्ट में। सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस फुल रेंज इज दिस Sanofi Back and Bum लाइटनिंग मास्क। सो दिस इज अ लाइटनिंग मास्क Sanofi Back and Bum का है एंड इस दिस मास्क इज 100 ग्राम एंड इसका जो प्राइस है 699 है, अगेन शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है इसका। सो बेसिकली इट कंटेन्स एलोवेरा एंड पीच एक्सट्रैक्ट्स। सो ये मास्क का क्या काम है हम देखेंगे, उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मूस के टाइप का टेक्सचर है इसका। सो एज यू ऑल कैन सी दिस एंड ये बहुत ही यू नो जेंटल रहता है स्किन के लिए, आपको इसको जेंटली थ्रू आउट योर बैक एरिया या फिर बम एरिया में अप्लाई कर लेना है एंड इसको ड्राई होने के लिए आपको वेट करना है एंड देन इसको आपको पानी में धो सकते हैं, नहीं तो कोई वेट टिश्यू में आप इसको क्लीन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड आपके जो भी के रैशेस को ये हील कर देगा, आपके स्ट्रेच मार्क्स को ये फेड करेगा एंड आपकी स्किन के डिसकलरेशन को भी ये बहुत हद तक कम कर देगा एंड आई होप सो ये रेंज आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली दिस टाइप का प्रोडक्ट्स को बहुत जन यू नो सामने में नहीं बोलते हैं या फिर इस प्रॉब्लम के लिए बात करने भी हिचकिचाते हैं, लाइक दे डोंट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। सो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये Sanofi का जो पूरा रेंज है इसमें पूरा एक कॉमन प्रोडक्ट है वो है पीच एक्सट्रैक्ट। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर डिफरेंट प्रोडक्ट में उन्होंने इन्ग्रीडियंट्स अलग अलग ऐड किया है जो कि बहुत अच्छा है, आपके प्रॉब्लम अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के इन्ग्रीडियंट्स होना चाहिए। सो ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छा काम करेगा, डू गिव इट अ ट्राई। आप चाहे तो पूरा रेंज ला सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली आप कोई एक प्रोडक्ट ला के यूज़ कर सकते हैं आपको जो ज़्यादा ज़रूरत होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स। लव यू।